वो बहुत करीब आ गए, उनकी आहट सुनाई दे रही है, साये दिखाई दे रहे, 50 साल पूरे होने वाले, वो लोग आ रहे, लाखों करोड़ों खतरों से भी ज्यादा खतरनाक, भय से भी ज्यादा भयानक, डर से भी ज्यादा डरावने, वो आ रहे हैं। वो सदियों पुराना, वो महेशमती घराना, उस घराने के लोग हर 50 साल बाद लौट आते हैं, हर 50 साल बाद वार करते हैं, घात प्रतिघात करते हैं, नागमणि हासिल करने के लिए कोई भी हद पार कर जाते हैं, मार देते हैं, मर जाते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो खतरा आ रहा है, वो वक्त आ रहा है, वो जंग आ रही है। इस बार दुश्मनों से तो नागमणि बचा ली मैंने, पर वो दुश्मन बहुत खतरनाक है, वो महेशमती, उनका वेग, उनकी गति, कौन रोकेगा? जब तक मैं हूं मैं रक्षा करूंगा, मैं बचाऊंगा नागमणि। वो शिव की धरोहर है, वो शिव की ही रहेगी। मैं हर खिड़की हर दरवाजा बंद कर दूंगा, पर उन्हें नागमणि तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं दीवार बना दूंगा, पर उन्हें अंदर आने नहीं दूंगा। इंसान, इंसानियत, इंसानी बस्ती के लिए बहुत अशुभ हैं वो लोग। अगर वो आ गए तो वो इंसानी बस्ती को तहस नहस कर देंगे, सबको मार देंगे। उनके आने का इशारा देगी ये कुदरत, ये कायनात, ये ब्रह्मांड। वो आते आसमान में घोर अंधेरा छा जाएगा, उम्मीद की हर रोशनी फना हो जाएगी, अंधेरे में भी सिर्फ अंधेरा होगा। वो लोग होंगे और उनका भय का साया होगा। हे नागों के नाग शेषनाग, मैंने ये नागमणियां आपके हवाले कर दी है, अब आप ही इसकी रक्षा करना। जय नागराज, जय नागराज। ये बात मुझे मेरे बेटे को बतानी होगी, मेरे युवराज की जिंदगी खतरे में, उसे ये बात बतानी होगी। महिष्मती आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। महिष्मती की पताका सजाई गगन छूने स्वर्ण सिंहासन महिष्मती आ रहे हैं, मुझे अपने युवराज को बैकअप देना।
नागिन का खून। क्या मार दी नागिन को? तुमने नागिन को मार दिया? वाह 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 वाह, क्या बात है। आखिर तूने अपना डंका बजा ही दिया, डाल दिया ना उस नागिन को मौत के मुंह में, मार दिया ना उसे। कम से कम एक नागिन से तो छुटकारा मिल गया। वैसे वो बहुत शातिर थी, कदम कदम पे शिवन्या की मदद करने पहुंच जाती थी। शिवन्या मुसीबत में आती और ये वहां पहुंच जाती थी। आधी जान थी वो उसकी। चलो, आधी जान से तुम छुटकारा मिल ही गया। अब ये शिवन्या बिल्कुल अकेली हो गई है। ये जब उसे अकेली लड़नी होगी। अब उसका रंग भी उड़ेगा और उसका रूप भी। उसका रंग तब उड़ेगा जब मैं उसके सखी नागिन को मार दूं। मैंने अभी तक मारा कहा है? क्या? मरी नहीं है। क्या कहा तुमने? तुमने उसे नहीं मारा? क्यों नहीं मारा उसे? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि नागिन मुझे मिल गई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। क्या हुआ, तुम भी दूसरों की तरह फोकली और ढोंगी निकली? गुरुमा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? उस नागिन को मारने के लिए ना, फिर क्यों नहीं मारा? तुम्हारे अंदर वो शक्ति है या उस नागिन की शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है? मेरी शक्ति का आपको अंदाजा नहीं, या फिर आपने मेरा अंदाज नहीं देखा। उस नागिन का मैंने जो हाल बनाया है वो आपने देखा नहीं है। वो अपने दो पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। सांसें लेने के लिए छोड़ा है उसे, वरना मर जाती। अरे मर ही जाती, जिंदा क्यों रखा उसे? जिंदा इसीलिए रखा ताकि वो हमें नागमणि का रास्ता बता सके, उस तक ले जाए हमें। उसी ने मुझे कहा था कि वो जानती है वो कहाँ है। हाँ? अब मेरी तारीफें करेंगी या फिर मार दूँ उसे? हाय हाय हाय, बहुत अच्छा किया जो तूने उस नागिन को नहीं मारा। क्या उसने बताया वो नागमणि कहाँ है? कोशिश तो बहुत की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब क्या गारंटी है कि आगे जाकर वो सच बोलेगी? झूठ भी तो बोल सकती है। ये दोनों नागिन बहुत शातिर है। और मैं भी कुछ कम नहीं, एक इंसान, सिर्फ एक इंसान है जो बता सकता है कि वो नागमणि कहाँ है और उससे उगलवा सकता है, गुरुमा। तो जाना गुरुमा के पास, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? मैं तो गुरुमा के पास चली जाऊंगी, लेकिन आपको एक बात बतानी, आप बच के रहना। क्यों? क्योंकि जब मैं छत पर थी ऋतिक के साथ, तुम मेरे बेटे ऋतिक के साथ क्या कर रही थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहना, पकड़ी जाओगी। शक हो गया है उसे। उसे? ऋतिक को? आपकी बहू शिवन्या को। मैंने तुमसे कहा था कि ऋतिक से दूर रहो। जब मैं उस दूसरी नागिन से उलझ रही थी ना, तब शिवन्या मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गई। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि उसे सब कुछ पता है? बहुत शातिर है वो शिवन्या, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो हम तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी। कौन? मैं शिवन्या। शिवन्या, ये लो जल्दी साफ करो, जाओ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, ये लड़की ठीक नहीं है। जिसका डर था वही हुआ, इसे सच्चाई पता चल गई है शायद। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने छत पर देखा इस मयूरी का असली चेहरा। ये ऊपर बारिश में ऋतिक के साथ डांस कर रही थी, कैसी कैसी हरकतें कर रही थी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती। क्या कहा तुमने? शिवन्या, ये मयूरी, तुम यहाँ मेहमान बनकर आई थी ना? मेरे बेटे और बहू के बीच क्यों आ रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ करते हुए? नहीं, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। चली जाओ यहाँ से। चल
चली जाओ यहाँ से। चलो, जानती हो तुम, जानती हो ये कौन है? ये मेरी बहू शिवन्या है, मेरे बेटे ऋतिक की पत्नी शिवन्या, शादीशुदा है वो। मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? अरे लाखों करोड़ों में एक है मेरी बहू, ऐसी लड़की तो इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती, और तुम उसके साथ नहीं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाना होगा तुम्हें इस घर से। आज के बाद अपने ये गंदे इरादे और अपने ये गंदे पैर कभी इस घर के अंदर मत रखना। ये नाती है मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर। हटो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। शिवन्या, आज इस लड़की की वजह से कोई भी लड़की अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती, नहीं देखा जाता बेटा। मैं समझ सकती हूँ, पर यहाँ की बिना जैसा खुद है वैसे ही लोगों को इस घर के अंदर ले आता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इस घर के अंदर घुसा देता है। तुम्हारा दिल टूटा ना? नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी ढाल बनकर, जैसे आज आप बने। बिना कुछ सोचे ही उस लड़की को इस घर से निकाल दिया। मैं इतना विश्वास किया आपने मुझ पर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार साथ रहे, खुश रहे। जो भी हमारी खुशियों के बीच आएगा वो ऐसे ही जाएगा, जैसे जैसे अभी ये चली गई। अरे ये क्या बेटा, तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए। जाओ बेटा, जाओ जाकर चेंज कर लो, वरना ठंड लग जाएगी। जाओ बेटा जाओ, बहुत ही जल्द तुम भी बाहर जाओगी। इस घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर चली जाओगी। तेरी बारी भी आएगी मेरी प्यारी बहू। उप्स, सॉरी, नागिन। शीशा से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता हो। शीशा, शीशा, देखा प्यार का असर? पीली तुम, गीली तुम हुई और सर्दी मुझे हो गई। कोई इलाज है तो बताओ बीबी साहिबा। भीगे तुम थे बारिश में। इंतजार तुमने करवाया था, दर्द दिया तो अब दवा भी तुम ही दोगी। बताओ कोई दवा है? है ना, एक काम करो, छत पर जाओ और दोबारा बारिश से कहो कि बरसे और भीग जाओ। पर ध्यान रहे, इस बार वो अच्छा सा नाच दिखाने वो मयूरी नहीं आएगी। माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहा तुमने? माँ ने उसे घर से निकाल दिया या मेरी पोजेसिव वाइफ ने उसे घर से निकलवा दिया? मैंने कुछ नहीं किया। टिपिकल इंडियन वाइफ ऐसी होती है। अच्छा है, वैसे कैसे निकाला तुमने उसे घर से? बीवी सौतन वाली टिपिकल फाइट करके या? एक्चुअली तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। मैं वहां होता तो मैं भी एंजॉय कर लेता। एक मिनट, ये रही तुम्हारी सर्दी की दवा, चुप रहने की दवा।
सॉरी, मैं तो भूल ही गई। शिव अन्या आपके बेटे ऋतिक की पत्नी है, आपकी बहू है, और आपके बेटे के साथ वो करते हुए मुझे शर्म ही नहीं आई। घिन आती है मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर। वाह, क्या एक्टिंग करती हैं आप मिसेस 60। आई मीन, इस उम्र में भी क्या अदा, क्या जलवे हैं। इसीलिए आज तक वो नागिन आपका ये चेहरा देख ही नहीं पाई। What nonsense! तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जाहिर है, यहाँ पे मेरे साथ आपको डांस करने नहीं बुलाया। Just shut up! आधी रात को जंगल में जंगली लोग ही, मेरा मतलब है जंगल है तो जंगली लोग ही होंगे ना यहाँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तो ऊपर वाला ही जान। बस बस, बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी और साफ साफ बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला ही जाने। पहली बार ऊपर वाले दिमाग का इस्तेमाल किया है तूने। अब मुझे भी तुम्हें ऊपर वाले के पास ले जाना होगा। अब मेरा मतलब है गुरु माँ के पास ले जाना होगा। चलो। जान प्यारी है तो भाग जाओ, दोबारा यहां आने की जरूरत भी मत करना। दोबारा मेरे वतन मेरे देश आने की जरूरत की तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी मौत आ जाएगी। आज तो तुम्हारी जान बख्श दी, पर दोबारा मेरी तलवार मयान में नहीं, सीधा तुम्हारे गर्दन के पार जाएगी। मैं दुश्मन को एक ही बार जीवन दान देता हूं, दूसरी बार नहीं। भाग जाओ। मार बकाया, उसे मारने आए थे, मार बकाया, वो मारने आए थे, मार बकाया। ऋतिक, मारने आया था, मार बकाया, इसका मतलब शायद ऋतिक को कोई मारने आया था। मारने आए थे, मार पकाए। जब किसी पे हमला होने वाला होता है तो उसे उस बात का आभास होने लगता है, कहीं ना कहीं सपने में दिखने लगता है। ऋतिक को अंकुश रह जैसे खतरा है, शायद वही खतरा उसे सपने में दिख रहा है। न जाने कब वो अंकुश रहेजा मेरे ऋतिक पर हमला कर दे। नहीं, मुझे अंकुश रहेजा के खिलाफ कुछ ठोस करना होगा, उसे रोकना होगा ताकि वो सपने में भी मेरे ऋतिक को तकलीफ ना पहुंचा पाए। मुझे शिव मंदिर जाना होगा, शेषा से बात करनी होगी। उसे जान से क्यों नहीं मार दिया? वो क्या है नागमा, वो नागिन जानती है कि वो नागमणि कहाँ है, इसीलिए मयूरी ने
उस नागिन को नहीं मारा। और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो नागमणि कहाँ है, हम उस नागिन को कैसे मार सकते हैं? और उस नागिन ने अभी तक मयूरी को ये नहीं बताया कि वो नागमणि कहाँ है। ना बताए पर आपको कैसे नहीं बताएगी? आप तो उस नागिन के मुंह में अपना हाथ डालकर वो नागमणि निकाल ही लेंगी। निकालेंगी ना? हाँ, निकलवा लूंगी जब मैं उसके सामने जाऊंगी। उसके अंदर हर राज को बाहर ले आऊंगी, उसके मुंह से उगलवा लूंगी कि नागमणि कहाँ है। मैं काल हूँ मैं। चल ले चल मुझे जहाँ उस नागिन को बांध के रखा है। मैं हर तंत्र मंत्र हर योग प्रयोग करूंगी और नागमणि का पता लगा लूंगी। बहुत जल्द वो नागमणि हमारे हाथ में होगी और वो नागिन मर जाएगी। चलो शेषा। क्या बात है शिवन्या, शेषा तो यहाँ नहीं है। क्या शेषा तो वहां भी नहीं है? तो फिर शेषा गई कहाँ? फिर वो तो तुम्हारे ही घर गई थी, ये पता लगाने के लिए कि उस घर में मोरनी कौन है। घर में मोरनी? क्या क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मोरनी? सुना है पहली मुलाकात में दोस्ती होती है, पर तुम तो तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी लगती है। तुमने अपना मंगलसूत्र खो दिया, कहीं अपना पति भी ना खो दो। इसका मतलब यह है कि वो मयूरी ही। गुरुदेव मैं जानती हूँ कि उस घर में मोरनी कौन है। मयूरी एक अजनबी लड़की मेहमान बनकर उस घर में आई है। गुरुदेव बारिशें आकर बरस गई हैं, वो मोरनी शेषा के सामने आ चुकी होगी, इसीलिए बरसात के बाद शेषा गायब है। कहीं शेषा उस मोरनी की गिरफ्त में तो नहीं? गुरुदेव शेषा की जान खतरे में है, वो हमारी दुश्मन की गिरफ्त में है। पर गुरुदेव माँ ने तो उस मयूरी को घर से निकाल दिया है, अब क्या करेंगे? ये क्या किया तुमने? है क्या किया? मयूरी के घर से निकाल दिया? अरे क्यों निकाला उसको घर से? अरे अब उसको कौन मारेगा? नागिन को कौन मारेगा? नागिन को मारने के लिए लाए थे ना मयूरी को हम, तुम मारोगी या मैं? अरे कुछ किया करो तो कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करो, एडवाइस दे दूंगा अच्छी। आजकल देख रहा हूँ सारे काम बहुत सीक्रेटली किया चली जा रही हो तुम। अब क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो क्यों निकाला मयूरी के घर से बाहर? चुप। मैंने कहा चुप माले। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। अगर इसी तरह तेरी जुबान चलती रही ना तो मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगी, तेरी सांसें बंद कर दूंगी, तेरी कहानी बंद कर दूंगी, तेरी हवा पानी बंद कर दूंगी, सब कुछ बंद कर दूंगी, समझा तू? ये इन कपड़ों में कहां जा रही है आप? सवाल फिर पूछा तूने? सवाल जिस तरह गधा लात मारना नहीं छोड़ता, वैसे ही तू लात खाना नहीं छोड़ता। अब अगर एक भी सवाल तूने पूछा ना तो मैं देखिए प्लीज तमीज से बात करिए, तमीज से। अगर एक भी सवाल तूने पूछा ना तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ ये तू अच्छी तरह से जानता है, है ना मालिक? ये पंचनेर की राजकुमारी ने कुछ ज्यादा ही बैंड बजा दी है यार, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो निकालना ही पड़ेगा। माली हूँ
राजकुमारी, अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात। ये माली अगर जमीन खोद के मट्टी निकाल सकता है तो पत्थर भी निकाल सकता है, गड़े हुए मुर्दे भी निकाल सकता है और राज भी निकाल सकता है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात। अब तू देखना कि ये माली सिलौरी बिना चटनी कैसे बनाता है। शांत हो जाओ शिवन्या। शिवजी के भक्तों को कौन मारे? जो शिवजी के भक्त हैं, उन्हें वही तारे। अब एक ही रास्ता है मेरे पास। मेरी शक्तियां, मेरी सिद्धियां मेरे पास हैं। अब वही बताएंगे कि शेषा कहां है। नागिन, बहुत बहुत बच गई तू। कितने योग प्रयोग किए तेरे ऊपर, इतने जंतर चला है, लेकिन हर बार बच गई तू। आज बच के दिखा नागिन, भाग के दिखा मुझे। कहाँ भागेगी तू, कैसे भागेगी तू? हाँ, तेरा वो हाल करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिसे देख के तेरा नागवंश बरसों इस कहर से डरेगा और याद रखेगा कि थी वो एक गुरु माँ जिसे नागिन को तार तार कर दिया। लेकिन अभी नहीं मारूंगी तुझे, नहीं अभी नहीं मारूंगी। पहले नागमणि का पता तो कर लूं। ए मयूरी, इसकी मौत की सैया बना, कुछ इस तरह सजा कि जब जनाजा निकले तो लगे कि नागिन की मौत की बारात निकली है। गुरुदेव, उस मयूरी ने शेषा को पकड़ रखा है, मुझे अभी वहां जाना होगा। शेषा की जान खतरे में है। जा, ले आ उस नागिन को नीचे। मुंह में माँ काली का नाम और बगल में ये काले काले कारनामे। बाहर तेरी माया, बाहर तेरी काया, देख तेरी मयूरी। क्या सोचा था तूने और क्या निकली है? एक पिद्दी सी मोरनी। तू चोरनी और ये मोरनी, देख इस बेवकूफ ने क्या किया। आज अर्ध चंद्र योग है। आज के दिन नागों का वंश नीम की पूजा करता है। नीम तेरे लिए कड़वा है, लेकिन हमारे लिए मीठा। नीम हमारा अभिमान है, हमारा वरदान है। आज के दिन नीम की पूजा करने से नागों की शक्तियां दुगनी हो जाती है। और देख इस मूरत ने क्या किया, हमारी शक्ति हमारी नीम से ही मुझे बांध दिया। कभी कभी तो सोचती हूँ कि तू चल रही है या तेरी हड्डियां उछल रही है। डर गई
भाग कुरुमा, भाग। मैं भी तो देखूं तेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता है या फिर तेरे पैर। आ रही हूं मैं। मार नहीं सकते, मुझे मारना चाहते हो ना? आओ, डसो, डसो मुझे नागे। हम तुझे डस नहीं सकते। तुझे क्या लगा? नागिन सिर्फ डसके मारती है? नहीं, हमारी मार के, हमारे वार के और भी कई अंदाज हैं। देख ले, नागिन का ये वार भी देख ले। तुझे क्या लगा? तुझे इंद्रदेव का वरदान है तो हमें भी हमारे इष्ट देव शिव जी पर अभिमान है। जब भी हमारा कोई दुश्मन आता है, गलत इरादे से आता है, तो वो भी आते हैं, किसी रूप में आते हैं, किसी भक्ति में आते हैं, किसी शक्ति में आते हैं, स्वयं शिव जी आते हैं। शिव कहाँ नहीं है, पीपल में शिव, गंगा जल में शिव, शिवलिंग में शिव, शिवालय में शिव, बीज में शिव, बीज मंत्र में शिव, जड़ी बूटियों में शिव, नीम की पत्तियों में शिव, नागिन की भक्ति में शिव, नागिन की शक्ति में शिव। तूने शेषा को मृत्यु देने के लिए ये सेज सजाई थी ना, अब इसी सैया पर तेरी मृत्यु की सेज सजेगी, इसी सैया पर तेरी चिता जलेगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे यहां से निकलना होगा। इन दोनों नागिनों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां आई। अगर अगर इन दोनों ने मुझे सूंघ भी लिया ना, तो कयामत आ जाएगी। शेषा, तुम नहीं जानती मैं कितना डर गई थी तुम्हारे लिए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तुम हमेशा के लिए हमारी दुनिया से। शिवानिया, इस दुनिया से क्या, मैं उस दुनिया से भी वापस आ जाऊंगी जब तक हमारा इंतकाम पूरा नहीं होता। शिवानिया, पांचवें कातिल को तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन गुरुमा का पीछा करना बहुत जरूरी है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी। हिलती डुलती हमेशा हमारे इंतकाम के बीच में आ जाती है वो। आज अर्धचंद्र योग है, हमारी शक्तियां दुगनी है, आज वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं उसे अपने वश में कर लूंगी। शिवन्या, तुम घर जा। शिवन्या,
मैं उस गुरु घंटाल के पीछे जाती हूँ। जैसी उसकी चाल है ना, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। आज उसकी लाठी उस पर ही भारी होगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जालतू आए नगिन को तालतू, आलतू जालतू आए नगिन को तालतू। हे नगिन, नहीं नगिन, हे मेरे मेरे पास मत आना, नहीं आना मेरे पास, पास मत आना, वरना वरना क्या? जान लेगी मेरी। जय माँ काली। नगिन, बच के कहाँ जाएगी तू? तू कहां बच के जाएगी बुढ़िया? अब तू अपनी हड्डियां गिन और तेरे सामने कितनी नागिन है उन्हें गिन। मैं माँ काली का नाम और ऐसी काली काली करतूत, आज तू अपने ईमान से गई, भगवान से भी गई तू। आज मेरी शक्ति के सामने तेरी शक्ति कुछ नहीं। आज अर्ध चंद्र योग के सामने तेरा प्रयोग कुछ नहीं। हमें शिव जी का वरदान है, आज हमारी शक्तियों में वो उफान है कि मेरी एक फूंक से उड़ जाएगी तू। कहा था तुझे मैंने कि नागिन का रास्ता मत काटना, मत काटना, पर नहीं, चलना नहीं आता तुझे और हमारी हर चाल काटती रही तू। वैसे तेरी चाल ही ऐसी है या फिर तेरी इस चाल में भी कोई चाल है? ऐसी वैसी बहुत सी चाल चल ली तूने, अब भुगत। देख ले नागिन का ये अवतार, ये बार भी देख ले। कितने खतरनाक, कितने शातिर है वो दोनों नागिन। कितनी बेरहमी से मार दिया उस मयूरी को, और कुर्मा, कुर्मा भी डर के मारे भाग गई। मुझे उन नागिनों को रोकना होगा किसी भी तरह। तूफान, कहर, कयामत है वो नागिन। मेरा बेटा, मेरा युवराज, हाँ।
बहू? दरअसल मुझे तुम्हारी पायल की आवाज सुनाई दी, तब मुझे पता चला कि तुम आ गई हो। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, ये औरत जान ना पाएगी मैं जिंदा हूँ। वैसे कहाँ चली गई थी तो? जानती हो कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं? हाँ, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी घर में। घर में कहाँ? अरे किचन में देखा, टेरेस में देखा, यहाँ तक कि तुम्हारे कमरे में भी गई थी, पर तुम वहां नहीं थी। कहाँ चली गई थी? शिवन्या मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, जवाब दो, कहाँ गई थी तुम? माँ वो मैं गार्डन में थी श्रुतिक के साथ। लो गार्डन में थी, एक वही जगह थी जहां मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। वैसे अच्छा ही हुआ क्योंकि बार बार ना मैं तुम दोनों के बीच में आ जाती हूँ। सॉरी सॉरी अब नहीं आऊंगी। वैसे बहुत प्यारी सी बहू मिली है मुझे, अच्छा हुआ मयूरी को मार दिया। मेरा मतलब है उसके गंदे इरादों को मार दिया मैंने, उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे और बहू के बीच में जो भी आएगा ना उसका यही हश्र होगा। अब तुम फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जाओ, रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर आराम करो बेटा। जी माँ। तुझे लगता है कि मैंने तुझे नहीं देखा और मुझे लगता है कि तूने मुझे नहीं देखा। वाह नागिन वाह, अब तेरी हर चल, तेरी हर चाल पर मेरी नजर रहेगी और वो दिन दूर नहीं जब मैं तुझे तेरी और मेरी जिंदगी से रिहा कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी बहू, मेरी प्याली बहू नागिन, नागिन। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.